ऐसा है कि जब कोई कपड़ा या कोई वस्तु रंग जाए तो वो रंग ज़्यादा दिनों तक नहीं रहता, धीरे 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 वो रंग उतर जाता है और ऐसा हो जाता है कि वो बदरंग लगने लगता है। मुख्तार अंसारी जी का यही हाल है। इन्होंने पहले अपने वादों के जादू में पूरे मऊ की जनता को, हमारे पूरे बुनकर समाज को वादों के जादू में रंग दिया और वो रंग धीरे 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 फीका होता गया, इसलिए कि उन्होंने वादा तो किया मगर 25 वर्षों तक उस वादों में से एक वादा भी श्री मुख्तार अंसारी जी ने नहीं निभाया। इसलिए अब मुख्तार अंसारी के रंग पे भगवा रंग चढ़ रहा है, क्योंकि मोदी जी ने केंद्र से जो विकास कार्य किया है, श्री योगी जी महाराज ने उत्तर प्रदेश में मई 2017 में जब से कमान संभाली है तब से जो बुनकरों का विकास हुआ है, जो बुनकरों को हमारी सरकार से लाभ मिला है, अब मुख्तार अंसारी का रंग बदरंग होके उतर रहा है, श्री योगी जी महाराज का रंग चढ़ रहा है, इनके विकास का रंग चढ़ रहा है। लेकिन जो मुख्तार अंसारी है उनको तो मुस्लिम हितैषी बताया जाता है कि मुस्लिमों के सबसे बड़े हितैषी थे। देखिए, हितैषी कहा जाना अलग है और हितैषी हो जाना अलग है। हितैषी उनको कहा जरूर गया है मगर 25 वर्षों में कभी मुख्तार अंसारी जी ने यह सिद्ध नहीं किया कि हम मुस्लिम हितैषी हैं। अगर हम कह दें कि मैं बादशाह हूं तो जब तक हमारे पास बादशाही की सनद ना हो, मैं कह दूं कि बीए पास हूं, आप मान लोगे कि बीए पास है। हम कह दें कि आई एम पोस्ट ग्रेजुएट, आप मान लोगे कि मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूं। लेकिन जब तक किसी डिग्री कॉलेज से, किसी यूनिवर्सिटी से कोई सनद नहीं मिलेगी तब तक उसे एमए और बीए नहीं कहा जा सकता। बिल्कुल मुख्तार अंसारी जी का यही हाल है। इन्होंने कह दिया मैं आई एम ग्रेजुएट, आई एम पोस्ट ग्रेजुएट, आई एम विकास पुरुष, यानी मैं डेवलपमैन हूँ, मगर इनके पास कोई सनद ही नहीं है कि 25 वर्षों में इन्होंने कुछ किया ही नहीं है। तो अगर बगैर सनद के कोई एमए नहीं हो सकता तो बगैर सनद के मुख्तार अंसारी जी भी विकास पुरुष नहीं हो सकते। जब वो एमपी थे, एमपी तो नहीं थे, एमएलए थे, एमएलए ही से उन्होंने प्रारंभ किया अपना सफर। लेकिन पहले इन्होंने ऐसा जोश भरा कि मतलब ये मऊ बहुत पीछे रहा है, मुख्तार अंसारी अंसारियों का लाल है, इसे अगर आप सपोर्ट करोगे तो मैं अंसारी हूँ, अंसारियों को डेवलप के आसमान पर पहुँचा दूंगा, इन द स्काई ऑफ डेवलप पहुँचा दूंगा। मगर सपना तो दिखाया था स्काई ऑफ डेवलप पे ले जाऊंगा मगर एकदम गर्त में पहुँचा दिया मऊ को 25 वर्षों में। वो तो योगी जी महाराज की देन है कि आज बुनकर समाज जी रहा है, आज बुनकर समाज कायदे से खा पी रहा है, आहार मिल रहा है, चाहे वो फ्री के राशन की शक्ल में हो, चाहे वो 24 घंटा 23 घंटा विद्युत सप्लाई के जरिए पावर लूम की वजह से उनका आहार मिल रहा हो, दोनों आहार, चाहे बिजली 23 घंटा से 24 घंटा तक देकर, चाहे वो अन्न और भोजन दे रहे हो योगी जी, चाहे फ्री राशन की शक्ल में दे रहे हो। आज बुनकर समाज ये सोच रहा है कि मुख्तार अंसारी ने, श्री अखिलेश यादव भैया ने, सुश्री बहन मायावती जी ने, जो योगी जी महाराज से, श्री नरेंद्र मोदी जी से जो भय दिखाते रहे जनता को, अल्पसंख्यकों को, भारतीय जनता पार्टी से, योगी जी से, मोदी जी से दूर करते रहे, आज जनता ये विश्वास कर रही है कि वो हमारा भरम था जिस भरम में हम पड़े थे। आप योगी जी ने भरम जाल तोड़ दी। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर योगी जी महाराज को कहा जा रहा है कि ये मुस्लिम विरोधी हैं, तो ये बताइए कि आवास योजना में जो 48 लाख लोगों को आवास मिला उत्तर प्रदेश में, उसमें कितना प्रतिशत है मुसलमानों का? 28 से 32% तक। 41 योजनाओं में हमारा जो परसेंटेज है आबादी का, यानी हम जो यहां उत्तर प्रदेश में निवास करते हैं मुसलमान की हैसियत से, कितने लोग हैं? कहीं 18 हैं, कहीं 20 हैं, ज्यादा से ज्यादा अधिक से अधिक कहीं 22 हैं। मगर हर योजना में श्री योगी जी महाराज ने 28 से 32% तक मुसलमानों को लाभ देकर यह साबित कर दिया है कि अखिलेश जी, माया जी अपने कार्यकाल में मुसलमानों को सिर्फ उल्लू बनाते रहे हैं। इनके घर छप्पड़ थे,
कभी इनको छत नहीं दिया, कभी इनको शौचालय नहीं दिया, कभी इनको और कोई सुविधा नहीं दी जो हमारी सरकार ने दिया है, ये पावर लूम की शक्ल में, बिजली की शक्ल में, ये सारी सुविधाओं से वंचित कर रखा और भाजपा से डराते रहे। मगर योगी जी ने सबको तोड़ दिया है, सारा भरमजाल तोड़ दिया है। आजकल हम लगातार लोगों से बातचीत कर रहे हैं, आजकल मुस्लिम भी बीजेपी के सपोर्ट में आ रहा है, तो क्या कारण दिखाई दे रहा है? क्या मुस्लिमों को तुष्टिकरण की राजनीति समझ में आ गई है कि हमारा इस्तेमाल किया जा रहा है? मुसलमानों को बीजेपी में आना ही चाहिए, इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी ही मुसलमानों के लिए एक विकल्प है। क्योंकि अखिलेश जी आते हैं तो एक जाति विशेष का काम करते हैं, वोट हमसे लेते हैं, एक जाति विशेष का, और जाति विशेष का भी नहीं करते जी, अपने परिवार का करते हैं, सिर्फ परिवार का करते हैं। जाति विशेष का करते तब भी हम कहते चलो उत्तर प्रदेश में कम से कम 8% लोगों का विकास तो हो गया, मगर 8% का नहीं, वही 0.5% का परिवार वालों का विकास करते हैं श्री अखिलेश जी। मायावती, सुश्री बहन मायावती जी आती हैं तो ये अपने जाति विशेष का विकास करती हैं। अगर सर्व जाति विकास का कार्य किसी ने किया है इस उत्तर प्रदेश में तो मोदी की सरकार ने, केंद्र में, और श्री योगी जी की महाराज की सरकार ने उत्तर प्रदेश में सर्वांगीण विकास, सर्व जाति विकास का कार्य किया है। जिस भी धर्म में, जिस भी समाज में कोई पिछड़ा व्यक्ति था, जिसके सर पर छत नहीं थी, योगी जी ने दिया उसको। लेकिन जिस तरीके से अखिलेश यादव कहते हैं कि मुस्लिम तो हमारे साथ है, मुस्लिम हमें वोट देगा, दूसरी तरफ आपने देखा होगा ओवैसी भी यूपी में ताल ठोक रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मुस्लिमों की पार्टी हमारी पार्टी है, हम मुस्लिमों का भला कर सकते हैं। देखिए, ताल ठोकने को तो हम भी ठोक सकते हैं कि हम दारा सिंह को पटक देंगे, हैं? मगर दारा सिंह अगर एक उंगली से मार दे तो मैं गिर जाऊंगा, इसलिए कहना बाडी में दम है न जान है। तो हम दारा सिंह को पटकने का दावा तो कर सकते हैं, मगर वो दावा सिद्ध कहाँ होता है? अखाड़े में, अखाड़े में सिद्ध होता है कि पटकता कौन किसको है। हम कह देंगे दारा सिंह को, फलाने सिंह को, सबको पटक देंगे, मगर जब अखाड़े में उतरेंगे तब ना शक्ति का परीक्षण होगा। अखिलेश जी कह लें, ऐसे ही ओम प्रकाश राजभर जी कह लें कि सारे राजभर हमारे साथ, सारे राजभर हमारे साथ, तमाम यादव हमारे साथ। जिन यादवों और राजभरों का दावा कर रहे हैं वो सब भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, उसमें से अधिकतर जिनका वो दावा कर रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की पकड़ हर वर्ग में है, हर जाति में है, हर संप्रदाय में है, और जब अखाड़ा आएगा यानी ये 22 में चुनाव वाला, तब पता चल जाएगा कि किसकी लंगोटी में कितना दम है। लेकिन आपको याद होगा जिस तरीके से मुस्लिमों को डराया जाता था कि बीजेपी सरकार आएगी तो मुस्लिमों पर जुल्म बढ़ेगा, अत्याचार होगा, क्या वो डर का माहौल मुस्लिमों के मन से निकला है? डर का माहौल नहीं निकलेगा, कैसे नहीं निकलेगा? आप ही बताइए कि हर साल हमारे पूर्व मुख्यमंत्री बड़े भैया श्री अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे, हर साल 350 दंगा कराते थे, 400 दंगा कराते थे, कम से कम साल में, 5 साल रहे वो, कम से कम एक साल में 200 बड़े बड़े दंगे होते थे, दुकान जलती थी, मकान जलता था, हैं? मुसलमान और हिंदू सब मारे जाते थे, भाई दंगा है तो कोई भी मारा जा सकता है, सबके दुकान मकान जलते थे, दंगे होते थे, सब मारे जाते थे, किसका नुकसान होता था? हर वर्ग का नुकसान होता था। लेकिन जब से योगी जी महाराज आए हैं उत्तर प्रदेश में, कोई भी दिखा नहीं सकता कि कहीं भी दंगा हुआ हो। अगर हिंदू ने सर उठाया, दबा दिया ऐसा कि चले गए परलोक, सिधार गए, मुसलमान ने सर उठाया तो तकरीबन 70 लोगों पे बुलडोजर चला है। अब आप कहोगे कि 70 लोग जिन पर बुलडोजर चला सिर्फ मुसलमान ही है, इसलिए योगी जी खिला, अरे उसमें दाल में नमक के बराबर मुसलमान हैं, 3-4 खोपड़ी मुसलमान मिलेगी 70 में, वरना कम से कम 66 या कह लो 65 तो कम से कम आपको हिंदू दिखाई देंगे। कोई ठाकुर होगा, कोई ब्राह्मण होगा, हैं? कोई वैश्य होगा, कोई शूद्र होगा, हर वर्ग के होंगे उस 70 में, मगर 3 या 4 ज्यादा से ज्यादा, अधिक से अधिक 5 मिलेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि श्री योगी जी महाराज ने गुंडई पे नकेल लगाई है, गुंडों पे लगाम लगाई है, भूमाफिया पे नकेल लगाई है। आज भूमाफिया डर गया है, जैसे चूहे बिल में घुस जाते हैं, अगर बाहर ढोल बजा दीजिए तो बाहर चूहे नहीं निकलते, बाहर निगाड़ा बज रहा है डर का श्री योगी जी महाराज के। इसलिए भूमाफिया, गुंडे, जितने भी भूमाफिया हैं,
ये सब अपनी अपनी बिल में है, इसलिए कि ये जानते हैं कि जैसे बाहर निकले या तो जेल जाएंगे और या तो कुछ और हो सकता है, दूसरी घटना घटित हो सकती है, कहीं उलट पलट भी सकते हैं। इस डर से गुंडा माफिया, भू माफिया भू में समा गए हैं। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है श्री योगी जी महाराज की कि गुंडा मुक्त कर दिया है जी पूरे उत्तर प्रदेश को। तो अब मुसलमान भरम में नहीं रहने वाला। वो कहना है बीजेपी के पास काम नहीं है, जब भी चुनाव आता है राम मंदिर के नाम पे वोट मांगते हैं, कभी हिंदू मुस्लिम के नाम पे वोट मांगते हैं। ये उनकी भूल है। योगी जी महाराज या भारतीय जनता पार्टी के पास, अब भाई हम मुसलमान हैं, हम अल्लाह को माने, रसूलुल्लाह को माने, मस्जिद को माने, तो इसमें क्या बुराई है? अगर हमारे योगी जी हिंदू हैं तो अगर वो भगवा पहनते हैं, श्री राम राम जपते हैं, तो इसमें हमको क्या परेशानी है? अगर हम अल्लाह अल्लाह कहें, हर जगह तस्बीह ले ले और हर जगह अल्लाह अल्लाह करते रहे, तो आप कहोगे कि बहुत खराब आदमी है। खराब आदमी वो होता है जो दूसरे को कष्ट पहुंचाता है। इन लोगों ने बहुत अच्छा होकर सबको कष्ट पहुंचाया, मगर योगी जी इनके नजदीक बड़े खराब हैं, बड़े कट्टर हिंदू हैं, मगर इन्होंने सबको आराम पहुंचाया है, किसी को कष्ट नहीं पहुंचाया। और ये 5 साल जो व्यतीत हुआ है, ये आईना है श्री योगी जी महाराज का, ये प्रतिबिंब है श्री योगी जी महाराज का। 5 वर्ष में झांक कर देखोगे, योगी जी का कड़ापन दिखाई देगा, और उधर 5 साल देखोगे ना, ऐसा लचीलापन दिखाई देगा कि तमाम गुंडे माफिया बेलगाम घूमते थे, जब देखो तब दंगा हो जाता था, मगर इधर ऐसा कुछ नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि बड़े प्रशंसनीय कार्य किया है श्री योगी जी महाराज ने। आपको याद होगा एक समय था जब मुख्तार अंसारी के यहाँ पर तूती बोलती थी, जिसको वो चाहते थे वो विधायक बनता था, क्या अब भी वो डर का माहौल है, निकल गया है लोगों के मन से? ऐसा है कि मुख्तार अंसारी जी का डर, मुख्तार अंसारी जी का भय लोगों में रहा होगा, हम ये नहीं कहते। भाई जिससे जिनका पाला पड़ता है तो डर बन ही जाता है, किसी से पाला पड़ा होगा, डर हुआ होगा, आम जनता उनसे डर में रही होगी, मगर जो डर पहले था वो डर योगी जी ने समाप्त कर दिया है कि अब गुंडों का राज नहीं चलेगा, अब कानून का राज चलेगा। अगर कानून का राज नहीं चलता तो 4,500 भूमाफिया जेल में नहीं गए होते। अगर कानून का राज नहीं होता तो तकरीबन 2,500 लोगों के खिलाफ FIR अभी नहीं हुआ होता। अगर कानून का राज नहीं होता तो तकरीबन 70-72 लोगों पे बुलडोजर नहीं चलता। तो अब गुंडे डर रहे हैं, माफिया डर रहे हैं, अब जनता नहीं डर रही है, इसलिए कि जनता जान रही है कि योगी जैसा शासक हमारे पास मौजूद है। मुझे एक बात बताइए, उत्तर प्रदेश का जो मुसलमान है वो ओवैसी को कितना पसंद करता है? देखिए मुसलमान ये जान रहा है कि ये बंगाल में गए वोट काटे, ये बिहार में गए वोट काटे, तो ये वोट काटते हैं। अब अगर कोई मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा है, मान लो सपा हितैषी है, उधर आप वो राष्ट्रीय जनता दल मुसलमानों की हितैषी बनती है, अब ये पहुंच गए हैं, तो राष्ट्रीय जनता दल वहां है और सपा यहां है, ये दोनों कुछ भी कह लो और मौखिक ही कह लो कि हम मुसलमानों के हितैषी हैं और ये वहां पहुंचे वोट काट दिया हैं, तो नुकसान किसको हुआ? मुसलमान को हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि ओवैसी ये ऊपर ऊपर जो ढोल है, अंदर वाला पोल है। यहां पे पोल ये है कि उत्तर प्रदेश में आके कहते हैं कि उप मुख्यमंत्री मुसलमानों का होना चाहिए, तो हैदराबाद में क्या कर रहे थे, यहां 1 सीट नहीं है, उप मुख्यमंत्री मुसलमानों को होना चाहिए, और तू इतने दिन से वहां आशियाना बनाए हो, MP रहते हो, न जाने कितने MLA रहते हैं, तभी कभी हैदराबाद के CM से आपने कहा कि उप मुख्यमंत्री मुसलमान होना चाहिए, नहीं कहा। इसका मतलब ये हुआ कि दाल में काला ही नहीं है, पूरी दाल काली है, ये वो वैसी पूरा सर से लेकर पैर तक काला ही काला है। लेकिन ये कैसे लगातार वो मुस्लिमों को भड़का रहे हैं? आपको याद होगा अभी कहा कि हम CA के खिलाफ आंदोलन करेंगे, अभी कहा कि हम बाबरी मस्जिद को नहीं भूले, ये बड़े गद्दार हैं, ये देश के वफादार, अब इसी पर मैं कहता हूं कि देश के वफादार नहीं हो सकते, चाहे वो ओवैसी हो, चाहे हम हो, वो कोई भी मुसलमान हो, किसी भी, वो बरेलवी हो, देवबंदी हो, शिया हो, सबने कहा था दिल्ली में जब मीटिंग हुई थी कि कोर्ट का जो फैसला होगा हम मानेंगे। मुसलमान जो भी था, देवबंदी था, बरेली था, शिया था, किसी भी फिरके का था, उसने कहा कि हम अदालत का फैसला मानेंगे। तो अदालत का जब फैसला आ गया
और आज हम बरेलवी के इमाम हैं और हम कहें हम नहीं मानेंगे, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर अदालत का फैसला नहीं मानते हम, तो सिर्फ अदालत ही के गद्दार नहीं है, देश के गद्दार हैं, देश के संविधान के गद्दार हैं। इसलिए चाहे वो वैसी बोलें, चाहे हम बोलें, कोई भी मुसलमान बोले, अब भाई बाबरी मस्जिद के हक में फैसला हो गया होता तो हमारे हिंदू भाइयों को मानना पड़ता, ये भी मानते, और ये नहीं मानते तो ये भी देश के गद्दार कहलाते। तो अगर मंदिर के हक में फैसला ना हो, मस्जिद के हक में हो जाए, हिंदू ना माने, तो आप कहो कि देश गद्दार हो, तो तुम कहां के वफादार हो? अगर सुप्रीम मोदी जी ने तो नहीं बनवाया, योगी जी ने तो नहीं फैसला दिया, कैबिनेट में नहीं पास कराया, वो तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है ना जी। तो जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला है तो तमाम मुसलमान माने, चाहे वो वैसी हो चाहे हम हो, अगर वो कहें हम नहीं मानते तो इसका मतलब भारत में रहने का फिर हक ही नहीं है। अच्छा आखिरी सवाल, क्या 2022 में योगी जी का जादू चलता दिखाई दे रहा है? अगर दिखाई दे रहा है तो कितने परसेंट मुस्लिम अब की बार बीजेपी के साथ जा रहे हैं? 2022 में योगी जी का जादू चलेगा, और चलेगा नहीं दौड़ेगा, और दौड़ेगा नहीं जैसे वो बनारस से वो एक्सप्रेस दौड़ती है दिल्ली तक, न जाने कितनी हाई स्पीड से, उसी स्पीड से विजय रथ दौड़ेगा श्री योगी जी महाराज का। क्योंकि आप जानते हो कि सेवा ही इंसान को सत्ता तक पहुंचाती है, और श्री योगी जी महाराज ने एक संत मुखिया होकर अपने परिवार का काम नहीं किया। बहन छोला बेच रही है, बहनोई छोला बेच रहा है, अखिलेश जी महाराज को ले लो, मायावती जी को ले लो, इनके परिवार का कोई सदस्य एमपी है, कोई एमएलए है, कोई फलाना बाबू है, कोई फलाना बाबू है, हर हर जगह भर दिया है, मगर योगी जी महाराज की बहन आज छोला बेच रही है, उसका बहनोई छोला बेच रहा है, कभी जाकर के यशुद्ध बुद्ध नहीं लेते, किसके लिए? आपके लिए। आप याद करो कि जब कोरोना कालखंड चल रहा था, तमाम प्रदेशों ने मना कर दिया था कि हमारे यहां कोई आ नहीं सकता, लेकिन अगर यही बिहार में नीतीश जी ने कह दिया था कि बिहारियों जहां हो वहीं रहो, आ नहीं सकते, लेकिन वो एक योगी जी थे पूरे देश में जो कह रहे थे कोटा वालों आ जाओ, इलाहाबाद वालों अपने घर चले जाओ, इलाहाबाद 27,000 बसें भेजकर कोटा राजस्थान और यहाँ इलाहाबाद प्रयागराज भेज करके तकरीबन 15, 32, 32,000 बच्चों को घर पहुंचाया, उनको क्वारंटाइन किया, उनका इलाज उलाज किया, और माँ बाप जो घर में रो रहे थे वहां तक पहुंचाया, उदाहरण नहीं मिलेगा। मैं कहता हूं कि पूरे प्रदेश में बहुत सारे मुख्यमंत्री आए, मगर योगी जी महाराज जैसा किसी मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश की धरती पर जन्म नहीं लिया है।